अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। मेरे साथ हैं किंजा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। हमारा अज़रबैजान का जो ट्रिप था वो 18 दिन का ट्रिप था और आज 17वां दिन है और कल इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट है। दुआ कीजिएगा कि सफ़र जो है वो खैरियत से और आफ़ियत से गुजर जाए। और मैं यहाँ पर 18 दिन रहा, 18 दिन का जो नचोड़ है वो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। और ज़्यादातर इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे अबाउट जॉब्स, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, सेटलमेंट इन बाकू अज़रबैजान, इस हवाले पे थोड़ी बहुत डिस्कशन हम करेंगे। क्योंकि सोशल नेशनैलिटी पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे और इधर उधर एजेंट्स वगैरह ने बहुत हाइप क्रिएट की हुई है कि यहाँ पर नेशनैलिटी मिल रही है, यहाँ पर बहुत जॉब्स हैं, यहाँ पर बहुत बिज़नेस हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से जा सकती हैं पार्क, आपने जाना है तो मम्मी। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं, अगर आपने जॉब करनी होती है या बिज़नेस करना होता है कहीं पे भी जाके, पहली चीज़ होती है लैंग्वेज। धूप बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आज़री और रशियन बोली जाती है, इंग्लिश और वही समझ जाती है। इंग्लिश का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। आप किसी भी मॉल में चले जाएँ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, किसी होटल में चले जाएँ, टैक्सी यूज़ करें, बिल्कुल भी इंग्लिश किसी को नहीं आती, 10% भी नहीं आती। आज़री जैसे आप एक नर्सरी के बच्चे को जितनी एक इंग्लिश आती है ना, वो दो चार लफ्ज बस समझ लेता है, ओके, थैंक यू, हेलो, इससे ज़्यादा इन्हें बिल्कुल इंग्लिश, इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आप निकाल दें कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगला पॉइंट, ओके, अगर आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज देख के यहाँ पर आते भी हैं तो जैसे हम सब जानते हैं पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है, एक रिसेशन चल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी भी फॉरेन वर्कर्स थे, पहले बाहर से लोग आकर यहाँ काम कर रहे थे, उनको भी जॉब से निकाला जा रहा है। तो अगर आप लोग अब बाहर से आकर यहाँ काम करते हो फिर तो बिल्कुल ही कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो सिर्फ लोकल्स को भी हायर कर रहे हैं और जो पहले से हायर्ड हैं उनमें भी जो फॉरेनर्स हैं उनको निकाल रहे हैं और सिर्फ लोकल्स की हायरिंग जो है उनको मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से जॉब मिलना एक तो मुश्किल है बिल्कुल। और क्योंकि फिर जो बाहर से लोग आते हैं उनको फिर पे भी ज़्यादा करना पड़ता है और उनके बाकी मामला, उनके बार बार वीज़ा की उनको क्या कहते हैं रिन्यूअल ज़्यादा करना, उन ये सारे काम ज़रा मुश्किल हो। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे बिज़नेस। मुझे अब तक यहाँ पे कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं मिला। अगर आप कोई वीडियो देख रहा है या आपकी नज़र में कोई ऐसा हो तो मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा कि जिसने यहाँ पर बिज़नेस किया और वो सक्सेसफुल हो। कोई एक भी सक्सेसफुल पाकिस्तानी या बिज़नेस टाइकॉन टाइप चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं देखी। आ रहे हैं, लोगों ने स्टार्टअप भी किए हैं फिर बंद कर दिए हैं, किसी ने छः पाँच बिज़नेस करके बंद कर दिए हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, एक तो लैंग्वेज की वजह से, और अमूमन कहा जाता है कि जो मुझे सुनने में आया पाकिस्तानी लोकल्स जो यहाँ पर हैं उनसे मिल के, कि ये कहते हैं कि आज़री जो हैं वो धोखा देते हैं बिज़नेस में और ओवरऑल भी चीट करते हैं। तो जिसकी वजह से सिनेरियो है सारी दुनिया में ऐसी कि जिन लोकल्स को जो है उन्हें लॉस भी ज़्यादा अपने मुल्क के पता है, हर चीज़ उन्हें पता है, शॉर्टकट्स भी पता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं चीट करेंगे जहाँ पे उनको समझ में आए। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे सक्सेस रेशो जो है वो बिज़नेस की बहुत कम है। वही सक्सेसफुल हैं यहाँ पे दो चार लोग जो 10-10, 12-12 साल से यहाँ रह रहे हैं और उन्हें लैंग्वेज भी अब आ चुकी है, उन्हें ट्रिक लोगों के माइंडसेट भी समझ में आ, माइंडसेट भी समझ में आ चुके हैं, ट्रिक्स का भी पता चल चुका है, तो वही लोग यहाँ पे कामयाब हैं। न्यू आने वाला कोई भी यहाँ पे मैंने इंसान मतलब पाकिस्तानी कामयाब नहीं देखा। और यहाँ पे बिज़नेस जो हैं ज़्यादातर जो प्रेफर किए जाते हैं, एक तो वो रेस्टोरेंट बिज़नेस है। अगर रेस्टोरेंट बिज़नेस आप करना चाहें तो वो एशियन फूड यहाँ नहीं चलता, सो आपको यहाँ आके इन्हीं के ही शेफ़ हायर करने पड़ेंगे, इन्हीं से काम लेना पड़ेगा। लोकल के साथ आपका इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा आप कोई भी बिज़नेस करते हैं। और अगली बात जो है इसमें दूसरा है, कार वॉश का बिज़नेस है, रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, रिजॉर्ट्स का बिज़नेस है, वो प्रॉपर्टी की तरफ आ जाता है। तो ये, और जहाँ तक बात है यहाँ की नेशनैलिटी की, तो भाई बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से एजेंट्स कहते हैं कि नेशनैलिटी यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर नेशनैलिटी नहीं मिलती, इनके लॉ में है ये नेशनैलिटी आपको नहीं देते, यूएई की तरह, सऊदी अरब की तरह, सऊदी अरेबिया या और भी कंट्रीज़ होंगी, मुझे अभी दो जहन में आ रही हैं तो मैंने आपको बता दी। आपको हर साल अपना TRC रिन्यू करवाना पड़ता है, अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे यहाँ पे हैं तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा और फिर ही आप जो है ना वो यहाँ पर रह पाएंगे। और पाकिस्तान में नेशनैलिटी ज़्यादातर लोगों को ये समझ में आती है जहाँ पर आपका पासपोर्ट चेंज हो जाता है और आप
आपको इनडेफिनेट रेजिडेंस मिल जाती है, जैसे हम US की बात करते हैं, कैनेडा या UK की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ ये वाला सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे आपका पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट ही रहता है, ठीक है। और अगर आप आते हो तो जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस है वो हो सकता है परमानेंट में चेंज हो जाए जब आप वो 7 साल आपके कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपको जो यहाँ पे एक लोकल को बेनिफिट मिल रहा है, जैसे हेल्थ बेनिफिट है, फ्री हेल्थ है, हेल्थ केयर है, फ्री एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। और दूसरा यह है कि अक्सर वीडियोस मैंने देखे उनमें कहा जाता है कि यहाँ का स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है, स्कूल ऐसे हैं, फ्री हैं, और यहाँ पे जो है मेडिकल फ्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ लोकल्स ही वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, फॉरेनर आके यहाँ पे एक इन्ना सा भी फ़ायदा नहीं ले सकता। और इनका स्कूलिंग सिस्टम और इनका मेडिकल सिस्टम वो लोकल्स के लिए बेहतरीन है, होगा, बट फॉरेनर्स के लिए वो नहीं है। अगर फॉरेनर्स को यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल बहुत महंगा उनको मिलेगा, और अगर जहाँ तक बात है बच्चों के स्कूलिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे एक दो ब्रिटिश स्कूल हैं जिनकी मंथली फ़ीस 800-800 pounds, $800 है। सो ये चीज़ें थी, और इसके अलावा नेशनैलिटी वाला कोई चक्कर नहीं है, वो परमानेंट रेजिडेंस आपको मिल सकती है, वो भी 7 साल बाद या 10 साल बाद, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है आपका जो है पासपोर्ट चेंज हो जाएगा। अगर किसी का हुआ है तो मुझे कमेंट में बता दें सर, क्योंकि इनका लॉ अलाउ नहीं करता कि वो डुअल नेशनैलिटी दें। एक सूरत में एक बंदा है जिसको यहाँ की नेशनैलिटी मिल सकती है, वो कौन है जी? यहाँ पर आके आप एक हाजरी लड़की से शादी करें और फिर जब उससे जो बेबी होगा वो यहाँ का नेशनल समझा जाएगा, उसको नेशनैलिटी मिलेगी, आपको फिर भी नहीं मिलेगी। सो अब आप खुद सोच लें, जॉब्स ना होने के बराबर हैं लैंग्वेज की वजह से, बिज़नेस के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आप बिज़नेस टाइकॉन टाइप यहाँ पे बन के बैठना चाहते हैं, ताकि आपके इंट्रैक्शंस रहे ही ना, इंट्रैक्शन लोकल के साथ आपका बिज़नेस ही इतना बड़ा हो, तो उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने के लिए, प्रॉपर्टी बाय करने के लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए। सो यहाँ पर आएँ, घूमने फिरने के लिए आएँ, लेकिन एजेंट्स के हत्ते ना चढ़ें जो आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको जॉब दे देंगे, यहाँ पे आपको बिज़नेस करा देंगे। मैं क्यों इतनी तलख बातें कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने पाकिस्तानियों को रुलते हुए देखा है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको वहाँ से बुलाया गया कि यहाँ पे आपको जॉब्स देंगे, यहाँ से आपको आगे यूरोप की डंकी लगवाएंगे। मैं उनसे मिला हूँ बजाते खुद, कैमरा पे मैं उनको नहीं ले सकता था। सो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, आएँ घूमें फिरें, अगर कोई जॉब करना भी है, बिज़नेस करनी भी है, तो पहले से चीज़ें ढूंढ के करके आएँ, इस तरह से आके अपना या अपने घर वालों का नुकसान ना करें। सो अब थोड़ा सा पार्क भी आपको दिखा देता हूँ, किंजा साहिबा यहाँ बैठ के अंगूर ईट रही हैं, और इट्स अ खूबसूरत पार्क है यहाँ पे, और वो सामने झील है, सामने वो जो ब्लैक ब्लैक बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ना, ब्लैक ब्लैक ये वाली, ये यहाँ का ज़ू है दूसरी साइड पे, और वो सामने जो बिल्डिंग है आपको एक नज़र आ रही है, ये यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे जी लोग एंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत पार्क है, और यहाँ पे एक म्यूज़िक क्लास भी चल रही है। मुझे भी दे दो अंगूर। सो और जितनी भी डिटेल्स हैं, यहाँ आप आ कैसे सकते हैं, वीज़ा कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट कहाँ पे मिलेगा, होटल कहाँ पे मिलेगा, घूमना फिरना कहाँ पे है, तो सब व्लॉग्स मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप जब अगर वो व्लॉग देख लेंगे तो आपको इतनी से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपना टूर अरेंज करने के लिए, फैमिली के साथ आने के लिए, दोस्तों के साथ आने के लिए, अकेला भी अगर आप आना चाहते हैं। सो तमाम चीज़ें मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप देखें, उससे आपको काफ़ी यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं टूरिज़्म के लिए तो बहुत बेनिफिट मिलेगा उन वीडियोस से। सो अम्मी भी हमारे साथ आई हुई थी, अम्मी भी इंजॉय कर रही थी, अम्मी से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपको कैसी लगी ये कंट्री, अपने मुख्तसर अल्फाज में बताएं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने यहाँ बहुत इंजॉय किया है, और किस वजह से किया है, ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल पीपल और ब्यूटीफुल वेदर। वाह वाह। अम्मी ने तीन लफ्ज़ों में इस कंट्री को जो है वो बयान कर दिया, हम इतने व्लॉग बना के थक गए हैं, लेकिन अम्मी ने तीन लफ्ज़ों में ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल वेदर एंड ब्यूटीफुल पीपल। सो समझ तो गए होंगे आप। आज का व्लॉग यहीं पेंड करते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को आप तक पहुँचा पाऊँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। सो अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी अगर आपका कोई
सवाल रह गया है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको रिप्लाई दूँ। इस एक खूबसूरत सी कंट्री से, खूबसूरत माहौल से और एक रिलेशनशिप बिल्ट हो गया था इस कंट्री, इसके लोगों और हमारे दरमियान, क्योंकि 18 दिन हम यहाँ पर रहे हैं। सो आज लास्ट व्लॉग है अज़रबैजान से। सो इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में, किसी और मुल्क में, किसी और जगह पर इंशाल्लाह। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।